मित्रों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के तत्वाधान में आयोजित श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 22 जनवरी को संपन्न होना है। स्वाभाविक रूप से संपूर्ण अयोध्या धाम और पूरे उत्तर प्रदेश और देश में उत्साह का माहौल है। अयोध्या में समारोह की दृश्य से बाहर क्या व्यवस्थाएं हुई हैं, प्रशासन इस व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए आज पुनः मैं एक बार यहाँ पर आया हूँ। स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने और प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने पहले से ही यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को, चाहे वह यहाँ के लोकल स्तर पर ट्रस्ट के साथ समन्वय का हो, यहाँ के सुविधाओं का हो, ट्रैफिक का है, सुरक्षा का है और अन्य सभी प्रकार की व्यवस्था को बेहतर तालमेल से आगे बढ़ा करके 22 जनवरी के इस ऐतिहासिक पल के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। अंतिम चरणों में सारी कार्रवाई उनकी चल रही है और युद्ध स्तर पर इसे हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा देंगे। 22 के बाद भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने के लिए जो भी कार्य योजना तैयार होगी, इसके अनुसार यहां पर स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार पूरा सहयोग करके आने वाले श्रद्धालुओं को यहां पे पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा, यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर पर पूरा सहयोग दे रही है। इसके लिए टेंट सिटी भी लगाई गई हैं, धर्मशालाओं को भी तैयार किया गया है, होटल्स भी यहाँ बने हुए हैं। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर या अन्य शहरों से यहाँ के आने के लिए एक बेहतर ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था भी दी गई है, जिससे कहीं भी किसी को कोई दिक्कत न हो। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है, किसी भी स्तर पर किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत न हो, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अभी से तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि हर एक मन में उत्साह है, उमंग है। 5 सदी के बाद ये अवसर आया है तो स्वाभाविक रूप से हर श्रद्धालु इस बात को चाहता है कि मैं भी रामलला का दर्शन करूं।